अक्षय सर नहीं है। अक्षय सर नहीं है, कौन बोला आपको? आपको इतना खबर? हेरा फेरी थ्री बनेगी नहीं, अक्षय नहीं है तो फिर हेरा फेरी कैसे हुई? नहीं हो सकती है, विदाउट अक्षय हो नहीं सकती। मरकार देखिए, पांच लैंग्वेजेस में आने वाली है, प्रियदर्शन की फिल्म है, माल्टा स्टारकास्ट है। Excited, super excited, क्योंकि मेरे हिसाब से one of the biggest canvases you'll ever see in an Indian screen is what Markar is about. Period film है, it's big and it's different and I'm sure people लोगों को अच्छा लगेगा और फिल्म को संवारेंगे। ये हम भी उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपकी जो थॉट होते हैं, आपके विचार होते हैं काफ़ी गहराई तक डीपली जाते हैं, आज जिस तरह बातें चल रही हैं राइट्स वगैरह, उस पर क्या 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 कुछ कहना चाहिए? आई थिंक उसके लिए हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हमारी सोच वैसे हो गई है जो हमारी सोच वैसे नहीं होनी चाहिए। हम सरकार को, इनको, उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अब अगर रास्ते पे जाते हैं तो किसी के बोलने पे हम ही जा रहे हैं ना। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल दैट। इंडिया की ब्यूटी यही है कि सारे कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही घर में भी रहते हैं। मेरे अपने परिवार को देखोगे तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं मेरे फैमिली में, यू नो, एंड दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू सी माय इंडिया। तो आई थिंक अगर हर एक ये ठान ले कि ये एक हम करेंगे नहीं, झगड़ा हम करेंगे नहीं, पॉलिटिकल गेन किसी को भी हो लेकिन नुकसान हमें क्यों हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। जो मैसेजेस हम बाहर डाल रहे हैं वो भी टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इनडेप्थ क्या हो रहा है और कौन ये इंस्टिगेट कर रहा है, जब तक वो बॉटम तक नहीं पहुंचे हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक एज इंडिविजुअल हम ये मैसेज अगर बाहर डाल देवे कि आई थिंक वी शुड बी एट पीस, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है देश में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CAA को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दुख होता है जब एक इंसान जो पुलिस यूनिफॉर्म में है उसे मारा जा रहा है, एक इंसान जो देश के लिए सब कुछ कर रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, CRPF, आई थिंक इन सबको रिस्पेक्ट करना हमें सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड वैसे ही इंसानों को, यू नो, तो आई थिंक बेटर सेंस टू प्रिवेल टू ऑल ऑफ अस। And I pray for the people who've lost their lives. I pray for the people who are being instigated by people. I think better sense should prevail and work towards media ka bhi bahut bada haath hai isme. You know, kahin na kahin media ka play agar sahi ho, to ye jo dangebazi ho rahi ho ruk definitely sakti hai. But sad, very very sad, what is happening in Delhi today, right now. It has to stop. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.